सो रही है, बिल्कुल साइलेंट लगी पड़ी है, खामोशी लगी पड़ी है। मौला हुसैन की मजलिस में फकत वही बोलता है जिसको मौला अली के सदके में जुबान मिली हो। वैसे भी हमारे पहले बादशाह का फरमान है, हमारे जिक्र में बोला करो क्योंकि दुनिया को पता चले अली को मानने वाला नमक हराम नहीं होता। खिदामत आँख में होती है, चेहरा जर्द होता है, विलायत पर मुनाफिक का रवैया सर्द होता है। खिदामत आँख में होती है, चेहरा जर्द होता है, विलायत पर मुनाफिक का रवैया सर्द होता है। अली वाले तो करबल से कलंदर तक यही समझे, हुसैनियत से जो टकराए वो दहशत गर्द होता है। ऐसे नहीं थोड़ा हाथ बुलंद करके नारे हाय अली पर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद कर सलावा। अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे? अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे? अली को छोड़ के मैं फिर पढ़ रहा हूँ। अली को छोड़ के ला कहाँ से लाओगे? हलाल ज़ादों का शजरा कहाँ से लाओगे? जो अली को इमाम समझता है वो तो बोले दोनों हाथ बंद करके नारे अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे? हलाल ज़ादों का शजरा कहाँ से लाओगे? शेर काबिले गौर है, जो अली को अपना इमाम समझता है वो जरूर बोलेगा। चले तो जा ले कहीं सरे मैदान, चले तो जाओगे ले कहीं सरे मैदान, मगर वो जीत का सहरा कहाँ से लाओगे? मगर वो जीत का सहरा कहाँ से लाओगे? और इस कलाम का सबसे बड़ा शेर आपकी समाजों की नजर, जो मजलिस को मजलिस समझ के आए हैं वो जरूर बोलेंगे। अली को छोड़ किबला कहाँ से लाओगे? जिसे भी चाह जिसे भी चाहो बना दो खलीफा उम्मत, मगर गदीर का मौला कहाँ से ले? इजाजत हो तो एक और कसीदा आपके समाजों की नजर।
जिसे समझ नहीं जिसे अली की विलायत समझ नहीं आई, जो विलायत को मानने वाले बैठे पहुंचे हाथ भोगे भोगे जिसे की विलायत समझ नहीं आई। हमें तो उसकी विलायत समझ मुकाबले में अली के जमल के मैदान में शामियों की शरारत समझ नहीं। जो अली को ईमान समझता है वो तो हाथ उठाए, दोनों हाथ बुलंद करके जो शेर सुनाने जा रहा हूँ ईरान में पढ़ा था मैंने, मजमा खड़ा होकर दाद दे रहा था, उम्मीद है कि आप भी पढ़े लिखे हजरात बैठे हो। शेर का अगले गौर है जिसे अली की विलायत ये समझ देता है समझ नहीं आई। इस कलाम का सबसे बड़ा शेर आखिरी शेर आपके समातों की नजर, दोनों हाथ बुलंद करके ना रहे भाई 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।